राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मनोज कश्यप आया हूँ। कहाँ देख सकते हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है पीछे आलमनगर का, मैं वहीं पर आ गया हूँ और सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करें। नया ट्राई मतलब कि कुछ वीडियो बनाई जाए, देखते हैं बनती कि नहीं। बन गई तो ठीक, ना बनी तो और वही बहुत ठीक। पहले भी एक बार मैंने बनाने की कोशिश की थी अपने गांव फैजाबाद में, यानी जो अब अयोध्या हो गया है, वहां पर बिल्लाहार घाट स्टेशन के पास में। जब वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ एक वीडियो बनाकर पोस्ट की जाए और लोगों को बताया जाए यहां पर कैसा वर्क हो रहा है। वीडियो भी बनाया लेकिन पोस्ट नहीं की। यही सोचा कि सब लोग कैसा सोचेंगे, मजाक कोई ना उड़ाए। लेकिन इधर पता नहीं क्या, एक हफ्ते से दिमाग में कुछ और चल रहा था कि कुछ नया ट्राई करा जाए, चलो कुछ वीडियो बनाया जाए। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, सभी लोग अच्छा बनाते हैं, मुझसे तो लाख गुना अच्छा बनाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब ये सब लोग बना लेते हैं तो एक बार मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ। बनाना तो पहला वीडियो मैं चाह रहा था किसी यात्रा पर, वो भी अपने फेवरेट डीजल लोको के साथ, यानी कि एल्को के साथ। प्लानिंग भी करी निकलने के लिए लेकिन ठंड इतनी बहुत थी कि निकल नहीं पाया। अभी कल नौचंदी एक्सप्रेस जो कि इसी रूट से निकलती है सहारनपुर से प्रयागराज संगम के लिए, वो इलेक्ट्रिक से गई। इससे पहले वो यहाँ से डीजल से जाती थी और मेरा घर यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज तक कभी उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाया। इसका तो मलाल मुझे अब ज़िंदगी भर रहेगा। कल वो जब प्रयाग की तरफ से आई तो उसमें 2 इंच एल्को था, 2 इंच एल्को, वो भी लखनऊ का, क्या गजब था। उसकी पिक देखी मैं तो बहुत इमोशनल हो गया। मैं यही सोचा कि मैं क्यों नहीं गया, जबकि पूरा प्लान था मेरा वहाँ पर जाने का प्रयाग सिर्फ इस ट्रेन के लिए, लेकिन नहीं जा पाया। कल वो यहाँ से लेट भी गई थी काफ़ी, लखनऊ 4:15 से 7:45 छूटी थी, जबकि उसका टाइम है करीब 5 बजे के आसपास छूटने का है और 5 बजे इस समय यहाँ पर अंधेरा होता है, लेकिन कल तो काफ़ी लेट से हुई तो उसको आराम से जाकर मैं कैप्चर कर सकता था। उसका टिकट मैं ढूंढ रहा था लखनऊ वहाँ इलाहाबाद प्रयाग तक का, अभी 3-4 दिन पहले, तो अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, इस वजह से मैं
उसमें नहीं जा पाया, और ऊपर से मैंने पता कराया कि जनरल टिकट मिल रहा है कि नहीं, तो पता लगा कि जनरल टिकट उसमें नहीं मिल रहा है, इस वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि इस लखनऊ की तरफ से जितने भी ये हेल्को वाले ट्रेनें हैं उनको मैं अब सारी ट्रेनें कैप्चर करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, खासकर अपने फैजाबाद रूट वाली। लीजिए आपको दिखाता हूँ पटरी पे चलने वाला ट्रैक्टर, जो बहुत काम की चीज है। लग रहा कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। वैग 9 आ रहा है, वैग 9 WAG9HSCR काजीबेट 31646। वैसे आज ठंड भी बहुत है, 2-3 दिन से ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ लखनऊ में। आज तो 2 बजे धूप निकला, मतलब कि 2 बजे सूर्य निकला और इस टाइम डूब गया। इससे पहले 2-3 दिन धूप के दर्शन ही नहीं हुए। यहाँ पे काम चल रहा है, ब्लॉक लगा हुआ है, इस वजह से ट्रेनें काफ़ी यहाँ पर रद्द हैं, खासकर 2-3 दिन से, जिसमें से गंगा सतलुज एक्सप्रेस, हावड़ा अमृतसर मेल, त्रिवेणी रद्द हैं, और अभी जम्मू तवी भी रद्द हो जाएगी, कोलकाता जम्मू तभी वाया फैजाबाद रूट वाली। काम इस समय बहुत तेज़ से हो रहा है, काम तो यहाँ पे काफ़ी समय से हो रहा है, 1-1.5 साल से, लेकिन अब इस समय काफ़ी तेज़ होने लगा है। इस स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन बनाने की योजना थी, लेकिन अब लग रहा है ये जंक्शन में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रूट सीधे ट्रांसपोर्ट नगर उटोटिया होते हुए निकल जाता है। ये पहले मालगाड़ियों के लिए यूज़ होता था, लेकिन इस पर अब डबल ट्रैक डाला गया है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया गया है, जिससे कि अब सुल्तानपुर रायबरेली की तरफ जाने वाली ट्रेनें यहीं से बाईपास कर जाएंगी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, और ट्रांसपोर्ट नगर भी एक टर्मिनल स्टेशन बन जाएगा, जिससे कि लखनऊ चारबाग और लखनऊ जंक्शन का लोड कम होगा। इसको इसीलिए अब डेवलप करा जा रहा है। यहाँ पर स्टेशन की बिल्डिंग भी नई बनी है, और साथ ही साथ 2 फुट ओवरब्रिज भी नए बनाए गए हैं। यहाँ पर 1-2 लाइनें और डालने का काम भी चल रहा है, जिससे कि प्लेटफॉर्मों की संख्या भी यहाँ पर अभी तो 1-2-3 हैं, 3 प्लेटफॉर्म संख्या से बढ़ जाएंगी, 4 या 5 हो जाएंगी। ये आलमनगर स्टेशन मेन रूप से गुड्स ट्रेनों के लिए यूज़ किया जाता है, गुड्स ट्रेनों को लोको पायलट यहीं से, मतलब कि यहीं पर चेंज होते हैं। ये जिधर बोर्ड देख रहे हैं
ये साइट आपका मुरादाबाद साइट है, मतलब कि हरदोई बरेली मुरादाबाद, और इसी स्टेशन को पार करते हुए ये जो आगे एक ओवरब्रिज पड़ता है, ओवरब्रिज से थोड़ा सा आगे ही मुरादाबाद मंडल शुरू हो जाता है। वहाँ पर मुरादाबाद मंडल का बोर्ड भी लगा हुआ है, मुरादाबाद मंडल आपका स्वागत करता है। बाकी ये तो अभी लखनऊ उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। बगली में राजेशपुरम जैसी कॉलोनी है, इसलिए पब्लिक यहाँ पर काफ़ी उतर चढ़ती रहती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेनें लखनऊ जाते समय खड़ी हो जाती हैं और पब्लिक यहाँ पर उतरती रहती हैं। लखनऊ मेल जैसी ट्रेनों का भी दिल्ली से आते समय यहाँ पर स्टॉपेज है। काम बहुत तेजी से यहाँ पर हो रहा है इस समय, वर्कर भी बहुत ज्यादा संख्या में लगे हुए हैं। देखते हैं कब तक ये कंप्लीट हो जाता है पूरा। ठीक 6-7 अब चलते हैं